रेलवे लाइन पर बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा मुस्तफा। देखें जी, ये धमाका रेलवे लाइन पर बोलान और सीबी के संगम के इलाके में हुआ है। बताया गया है कि कोयटा से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस मशकाफ रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची थी कि मशकाफ रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे लाइन पर बारूदी मवाद का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस सिलसिले में अब तक की मिलने वाली इत्तला के मुताबिक 5 से 8 मुसाफिर जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि रेलवे जराए जानी नुकसान का ज्यादा खदशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि जब जाफर एक्सप्रेस मशकाफ रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ट्रेन जो है वो झटके से रुक गई और 3 बोगियां जो है वो पट्टी से उतर गई हैं। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुतल्लिका हुकाम जो है जो सिब्बी और बोलान से कर गए हैं जाए वकुआ की तरफ, और जाफर एक्सप्रेस जो है वो जाए वकुआ से थोड़े फासले पर जाकर रुक गई है, और जबकि 3 बोगियां जो है वो लाइन से उतरी हुई बताई जा रही है। जख्मियों के की तादाद में इजाफे का खदशा बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त तक सरकारी तौर पर जख्मियों की तादाद के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सक रही है। ठीक है, शुक्रिया मुस्तफा खान तरीन।